दिल्ली विधानसभा में 5 फुट सांप ठंड एयर किलर से बचाया गया। इस साल दिल्ली विधानसभा से वन्य जीव ने सोए टीम द्वारा बचाया जाने वाला यह दूसरा शाही सांप है। बुधवार को दिल्ली विधानसभा से 5 फुट का सांप बचाया गया था। स्टाफ के सदस्यों को लाइब्रेरी ब्लॉक में एक एयर किलर के अंदर एक शाही सांप या स्पेलरोसिफस एक ट्राइसिप्स मिलाकर तुरंत सहायता के लिए संरक्षण एनजीओ वन्य जीव ने सोएस कहा जाता है संगठन की रैपिड रिस्पांस यूनिट ने सांप को बचाया। यह इस साल विधानसभा से वन्य जीव ने सोएस टीम द्वारा बचाया जाने वाला दूसरा शाही सांप है। दो सांप बचावकर्ताओं ने कूलर से सरीसृप को ध्यान से हटा दिया और इसे एक परिवहन वाहक में स्थानांतरित कर दिया। सांप वर्तमान में अवलोकन में है और जल्द ही जंगली में छोड़ा जाएगा, वन्य जीव एसओएस के प्रबंधक वसीम अकरम ने कहा। हमने विधानसभा परिसर से कई सांप बचाए हैं क्योंकि यह कमला नेहरू रिज के बहुत करीब स्थित है, जो विभिन्न वन्य जीव प्रजातियों मुख्य रूप से पक्षियों, सरीसृप, हिरण और एंटीलोप्स का घर है। विशेष परियोजनाएं वन्य जीव एसओएस के सह संस्थापक और सीईओ कार्तिक सत्यनारायण ने कहा। अक्सर शहरी वन्य जीव उनकी दुर्दशा को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि लोग उन्हें परेशान मानते हैं और उन्हें अक्सर शत्रुता से मुलाकात की जाती है। सांपों को कृंतक नियंत्रण के लिए पारिस्थितिकीय रूप से जरूरी है और जब तक वे कोने घुमाए या धमकी न दें तब तक हमला या काटने कभी न करें। रॉयल सांप को एक डायमंड सांप के रूप में भी जाना जाता है। ये गैर विषैले हैं और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। रॉयल सांप ज्यादातर कृंतक, छिपकली पक्षियों और छोटे स्तनधारियों पर भोजन करते हैं। खतरों और तनावपूर्ण स्थितियों के तहत एक रक्षा तंत्र के रूप में वे जोर से जोर देते हैं और उनका जोरदार रूप से प्रतिशोध में कटते हैं। पिछले साल तुगलकाबाद में वायुसेना स्टेशन से वन्य जीव एसओएस रैपिड रिस्पांस यूनिट द्वारा 7 फुट लंबी भारतीय रॉक पायथन बचाई गई थी।